रिपोर्ट होंगी शायद अंदर बाहर मैं करूँ उसके पैरों बाद को, फिर ये मैं अंदर तुम्हें बाहर बता करना, पूरा दूंगी और उसका अंदर और प्रूफ अंदर भी और इनका। अंदर। हाँ ये करना है। तो उस अपना बताना क्या हुआ था पिछली बार, क्या हुआ था पिछली बार, मैम, क्या। आप हाँ मेरे को बोल रहे हो क्या? हाँ डिलीवरी पहले के जो बाद, एंटी स्कैन हुआ था ना नहीं मैम डिलीवरी मेरा, के बाद क्या हुआ था, एंटी स्कैन में जो कोई फ्लूड सीन डिलीवरी हुआ के तो उन्होंने मेरे बाद। को रेड बोला उसके मैम बाद। पूछ रहे हैं जब आपकी डिलीवरी हुई थी तब क्या हुआ था? उसके बाद जब वेदांता में रहे थे तब क्या हुआ था, थका। अच्छा जी ओके। तो मैम वो जैसे 15 दिन बाद मेरे को ना पैर में दर्द हुआ, फीवर हुआ, तो मैंने ट्रीटमेंट के लिए यही सहरसा में दिखाया। तो डॉक्टर ने मेरे को थोड़ा मिसगाइड किया, उन्होंने मेरे को 1 हफ्ते रखा इधर, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि मेरे को प्रॉब्लम क्या नहीं है, मिस और गाइड मुझे नहीं पता किया नहीं उनको, था पता नहीं फर्स्ट टाइम चला, देखा ऐसा पता कुछ नहीं था ही चला नहीं। रानी, ऐसे नहीं मिस तो ऐसे पता उसके बाद चलेगा आपके दर्द हो रहा है तो उसमें अंदर खून जमा हुआ है, वो तो टाइम के साथ ही पता चलता है। हाँ ये और मत उसके बोलना बाद आगे मैम से मिस गाइड नहीं किया, मतलब नहीं समझ आया, कैसे पता चलेगा आपने पैर में दर्द बताया तो मान नहीं, जाए। उन्होंने उन्होंने ये तो बताया मेरे को कि भाई आपके पैर में थक्का जमा हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला। वो नर्सिंग होम था मैम जहाँ हाँ पे नहीं एक तो हफ्ता वो मैं रही ठीक भी हो हूँ, जाता है, तो हम उन्होंने दवाई ये देते हैं ठीक हो जाता है, यही बता रही हूँ कि इसलिए ये वाली एक्सरसाइज करनी है पैर अंदर बाहर करने वाली, स्पेशली सिजेरियन के बाद। आपका तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो मैं बहुत दिनों बाद सुन रही हूँ, पहली बार सुन रही हूँ, आप लेटे रहे होगे पड़े रहे होगे, ये पड़ा रहना ही खाली सारी मुसीबत की जड़ है आजकल की डेट में, इतनी कॉम्प्लिकेशन खाली तो इसी वजह होती से नहीं हुआ मैम गाँव में, वो नहीं ही। होती दाइयों के हाथ से, नहीं होती जितने हमारे यहाँ हो रही हैं शहरों में हो रही हैं। और ये भी था मैम मेरे को हैवी डाइट ज्यादा दी गई कि दी मेरे गई से ना, सब्जी नहीं भी नहीं गई, हैवी रोटी डाइट भी से ये गई। नहीं, ये चीज़ नहीं, ये पड़े रहने से बस, तो उठ मत ठंड ना लग जाए, ये दो चीज़ें इतनी शौक है मैं मम्मियों को, मम्मियाँ ही अपना बच्चों का नुकसान करती, खुद उन्होंने उठा सब अच्छा काम किया तो उनको लग रहा है कि हमें उठना पड़ा, पहले बहुत कमजोरी आती थी बहुत ज़्यादा, खून 4-5-6 ग्राम रह जाता था और उस वक्त उन लोगों ने बड़ी हिम्मत से उठे, जैसे आज वो चीज़ खत्म हो चुकी, खून पूरा होता है, अच्छी एक डाइट मिलती है आपको, लेकिन पड़े रहते हैं, नहीं, काम मेरा पहले तो भी बहुत खून होता था मैम, था, मेरे उससे अंदर वो उस लोग टाइम दुखी हैं पांच मम्मियाँ पंद्रह कि रह हमें गया था काम डिलीवरी करना के बाद, तो पड़ा। मेरे को चक्कर भी आते थे। नहीं जो मैं बता रही हूँ कि जो मम्मियाँ हैं ना उनको काम हाँ जी करना पड़ा, उनको जो मन में आया वो खाने को नहीं मिला, वो अपने बच्चों पे अपना शौक पूरा करते हैं फिर, और फिर उनका हाँ जी नुकसान, वो जमाना कितना हाँ बदल जी गया, उनको हाँ लग रहा है जी हमारी केयर नहीं हुई, वो केयर की बात नहीं है, उस वक्त HB बड़ा कम होता था, सारी मुसीबत HB कम होने की है, आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी की है और ज़्यादा खाने की, ज़्यादा आराम करने की है, हाँ जी जितनी बीमारियां हो रही हैं इतने अच्छे टेस्ट आ गए, थायराइड का ट्रीटमेंट, शुगर का ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट, जितने फ़ायदा हो गए, HB का इतना अच्छा ट्रीटमेंट, ये चार चीज़ें जो मेजर थी वो तो अब है ही नहीं, अब नई चार डेवलप हो गई, अब क्या हो गई, खाना ज़्यादा आराम ज़्यादा और क्या हाँ बताया था जी मैंने टेंशन रेस्ट ज़्यादा, ज्यादा, ठीक रेस्ट है ज्यादा रखो। रेस्ट तो वही है ना आराम, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो ये चार चीज़ें अब नई डेवलप हो गई है, लिवर एंजाइम बढ़ने लगे हैं, किसी का अल्ट्रासाउंड डलवा आ गया, बहाना सबके पास है आराम करने का, जी और आराम नहीं होता टेंशन ज़्यादा होती है, आराम तो 12 घंटे से ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता है, मैं तो करके खुश भी नहीं हूँ, मैं तो डेली खुश मैं कोई क्या नहीं करती, है, मैं खुश अपने कोई सबसे नहीं है, बेस्ट टेंशन जो मैं है, खाना खा के वो जरूर जब करती हूँ। आराम करते हैं तो टेंशन में ही करते हैं, कोई खुशी खुशी नहीं करते हैं, हाँ जी ये तो डबल नुकसान हो गया ना अभी वेट भी ज्यादा हो गया मैम, मेरा 64 अपना, था और सेकेंड अब मंथ में, फिर अभी तुम आराम कर 67 रही हो गया हो, है। अब फिर से आराम कर रही हो, अभी से आराम कर रही हो, तब तो डिलीवरी के बाद किया था, नॉर्मल डिलीवरी होगी ना पहले नहीं किया था, अब मैम आराम वो करोगी तो यही नॉर्मल अब डिलीवरी भी डॉक्टर नहीं ने होगी, डरा दिया, वो बोल रहे हैं कि आप आराम करो आपको फ्लूड सीन है, क्या है अल्ट्रासाउंड में उन्होंने अभी एंटी स्कैन में बोला कि आपको ना फ्लूड सीन है इसमें, तो आप रेस्ट करो 15 दिन के लिए। शुगर है 15 दिन के लिए बोला है, वो तो अभी वरना बुलाएंगे दोबारा तब बताएंगे, नहीं दवाइयां दी नहीं हुई है उन्होंने, मैं उसके वीडियो बाद बना क्या रही हूँ ना, करेंगे। वीडियो बना रही है तो लोग सुन रहे हैं ना, सब सुन हाँ रहे हैं। ठीक है तुम आराम कर लो, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराओ 1 हफ्ते बाद कहीं और से, ओके और जी एस्पिरिन तो नहीं चल रही, एस्पिरिन तो उन्होंने स्टार्टिंग से दे रखी है मेरे हाँ को, तो और उसी की मैंने वजह आपकी से वीडियो एस्पिरिन देखी बंद है, करो, उनमें आपने बोला कि बिना काम के एस्पिरिन लेनी ही नहीं है बिल्कुल। तो तुमने ली, नहीं जी मैंने नहीं ली, उन्होंने मेरे को डांटा भी इस चीज के लिए कि आप क्यों नहीं ले रहे हो।
एस्पिरिन क्यों लेनी, दो बच्चे जिसके नॉर्मल फुल टर्म हो चुके हैं और एप्ला तुम्हारा नेगेटिव आया है, अगर प्रेगनेंसी मुश्किल से हुई है तो एस्पिरिन कहाँ से आ गई बीच में? और मैम ये चीज तो तब है जब मेरा एप्ला का तो कोई मतलब ही नहीं था, उनको तब तक तो ये भी नहीं पता था, सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ तब तक तो, कि मेरे को थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री है, तो उन्होंने मेरे को थ्रोम्बोसिस अलग चीज है रानी, थ्रोम्बोसिस रेस्ट करने से होती है, ना करने से नहीं होती, चलते फिरते लोगों को नहीं होती, खून जम जाता है, जो पहले जमाने में मालिश करते थे वो इसीलिए करते थे खून ना जम जाए, लेडी तो इतनी वीक होती थी खड़ी नहीं हो पाती थी, जमीन में डिलीवरी हुई वहीं पड़ी रही, तो उसकी मालिश करके खून ना जम जाए इसलिए ही मालिश करते थे, आजकल मालिश का रोल नहीं है क्योंकि इतनी वीकनेस आती ही नहीं है जितनी पहले आती थी, पहले लोग किसी तरह हिम्मत करके काम करते थे, आजकल उनका मन कर रहा उठने का भी नहीं उठ रहे, मतलब प्रॉब्लम सारी पुरानी सॉल्व होगी नई क्रिएट हो गई है। और एस्पिरिन का क्या मतलब जिसके दो बच्चे पहले हो चुके हैं और फिर और तुम्हारा तो वो भी चल रहा है, हिपेरिन भी चल रहा है, और जिसके दो बच्चे सच में इसके दो बच्चे हो चुके हैं, डॉक्टर को दिखाओ मेरी वीडियो, आगे से किसी और को ना दे। अभी मैम वो मेरे को ये बोल रहे हैं।